1984 में जब बच्चन साहब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तब उन्हें हाईएस्ट मार्जिन से जीत मिली थी। लगभग 70% लोगों का वोट उन्हें गया था। 2014 के चुनाव तक सहनशाह के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होने का भी रिकॉर्ड था, लेकिन उन्होंने 3 साल बाद ही राजनीति क्विट कर दी क्योंकि उनके ऊपर बोफोर्स स्कैम में इन्वॉल्व होने का एलिगेशन लगे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद चुनाव से पहले किए गए वादे जब पूरे नहीं होते हैं तो उन्हें हर्ट होता है। भारत के प्रेसिडेंट के पास ये राइट्स है कि वो राज्यसभा में 12 मेंबर पॉलिटिक्स के बाहर से बुला सकते हैं, जैसे जया बच्चन, रेखा जी और तेंदुलकर साहब। जहां पार्लियामेंट में एवरेज अटेंडेंस 78% है, वहीं जया बच्चन जी का अटेंडेंस 82% रहा। वहीं सचिन साहब और रेखा जी का 5 और 12% अटेंडेंस रहा पार्लियामेंट में। करीब 15 से 20 लाख को एक एमपी रिप्रेजेंट करता है, तो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन और इतना कम इन्वॉल्वमेंट, क्या ये सही बात है? अब तो कंगना भी चुनाव लड़ रही है, तो क्या पॉलिटिक्स एक सेकंड ऑप्शन हो गया है लोगों के लिए?